Hello everyone, welcome back. This is Nitesh Chauhan and today we are going to continue the chapter Simple Mechanism. In this lecture we will study about Graveler's criteria, inversions, Grashof law and forward mechanism. So stay connected. Let's start with Graveler's criteria. Graveler criteria applies to those mechanisms which have single degree of freedom. जिस भी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगी उसके लिए हम ग्रेवलर्स क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं और वी कैन से दैट द मैकेनिज्म व्हिच हैव द मोबिलिटी इक्वल्स टू यूनिटी देन ग्रेवलर्स क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल. तो ग्रेवलर के लिए एक हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो ये है कि उस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होनी चाहिए, दैट मीन्स वो एक काइनेमेटिक चैन होनी चाहिए और उसमें हायर पेयर जीरो होनी चाहिए, दैट मीन्स सारे ही पेयर लोअर पेयर होने चाहिए. सो इफ वी पुट एफ इक्वल्स टू वन एंड एच इक्वल्स टू जीरो इन कुर्ज़वेक इक्वेशन, एज वी ऑल नो दैट कुर्ज़वेक इक्वेशन इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू थ्री एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच, दिस इज कुर्ज़वेक इक्वेशन. इफ वी पुट एफ इक्वल्स टू वन एंड एच इक्वल्स टू जीरो इन दिस इक्वेशन वी गेट थ्री एल माइनस टू जे माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज ग्रेवलर्स equation. From Graveler equation we see that 2j is the even term, 4 also even term and the product gives us 0 and as we all know that even minus even gives 0, odd minus even can never give equals to 0. So we conclude that 3L always be even. 3L हमेशा एक even number ही होगा और जैसा कि हम जानते हैं 3 एक odd number है, तो L को 3L को even होने के लिए L को even होना पड़ेगा. अब L even, L अगर मैं L even की बात करूं तो L minimum even numbers में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8 and so on. And if we want to form a kinematic chain then we select number 4 because by choosing two links we cannot form a kinematic chain. So L minimum or the minimum number of links to form a kinematic chain is 4. So L minimum equals to 4. By using 4 links we prepare a mechanism known as simple mechanism. तो चार लिंक का यूज करके हमने लोअर पेयर की दुनिया का एक पहला मैकेनिज्म बनाया जिसको बोला सिंपल मैकेनिज्म. लोअर पेयर क्यों? क्योंकि इसमें जैसा कि हमने एजम्पशन ही देखा था हायर पेयर अब्सेंट, हायर पेयर जीरो हैं, सारे ही लोअर पेयर हैं. तो उस मैकेनिज्म को बोला हमने सिंपल मैकेनिज्म. उस सिंपल मैकेनिज्म में तीन अलग अलग तरीके के हमने मैकेनिज्म देखे, जस्ट लाइक फॉरवर्ड मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, जैसे ही हम काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को फिक्स करते हैं तो वो बन जाता है मैकेनिज्म. व्हेन वन ऑफ द लिंक इज फिक्स्ड इन अ काइनेमेटिक चेन देन इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म. So we can obtain many mechanism as the number of links in a kinematic chain by fixing in turn different links in a kinematic chain. तो उस chain के अलग अलग link को fix करके हम अलग अलग mechanism प्राप्त कर सकते हैं. ये method to obtain different mechanism by fixing different links in kinematic chain is known as inversion of mechanism. बेसिक हमारा एक ही चेन थी काइनेमेटिक चेन, उसके अलग अलग लिंक को फिक्स करके हमने एक अलग अलग तरीके के बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए जिसको बोला हमने इन्वर्जन. अब बात करते हैं नंबर ऑफ इन्वर्जन की, किसी मैकेनिज्म के कितने इन्वर्जन पॉसिबल हैं. नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ ए मैकेनिज्म, इफ द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन ए मैकेनिज्म इक्वल्स टू एल देन नंबर ऑफ इन्वर्जन विल बी लेस देन और इक्वल्स टू एल. फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर ऑफ लिंक्स इन ए मैकेनिज्म इज 4 देन the possible inversions may be 3 or 4. Inversions can never be possible higher than the links. So remember that point. Then we come to four-bar mechanism. Four-bar mechanism.
If we see the forward mechanism, number of links, as we already discussed, minimum number of links to form a kinematic chain is 4. So the number of links in forward mechanism will be 4, and number of pairs will be 4. As Nam suggests, four-bar mechanism, then we conclude that the number of pairs is 4, and ye charo hi aapke lower pair honge. Charo hi lower pair hain, aur lower pair mein charo ke charo turning pair honge. So in four-bar mechanism, total number of links equals to 4, and total number of turning pairs equals to 4. एक बेसिक सा एग्जांपल है फोर बार मैकेनिज्म का आपके सामने, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4. लिंक नंबर 2 को इनपुट बनाया मैंने, इनपुट लिंक. लिंक नंबर 4 मेरा आउटपुट लिंक. लिंक नंबर 1 फिक्स एंड लिंक 3 इज द कपलर. इसी को हम आगे चल के बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड. लिंक 3 इज द कपलर. अगर इन चारों लिंक में मैं इन बेस्ट पोजीशन की बात करूं, किस कौन सा लिंक अपनी बेस्ट पोजीशन पे है, तो लिंक नंबर 1 अभी के लिए अपनी बेस्ट पोजीशन पे है. दैट मींस जो भी लिंक फिक्स पोजीशन पे होगा उसको बोलेंगे हम बेस्ट पोजीशन. क्यों? क्योंकि फिक्स वो पोजीशन है जहां पे बैठ के लिंक दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों लिंक्स को गवर्न कराएगा. सो वी कैन से दैट fixed position in the mechanism is the best position. अब बात करते हैं input link और output link की. तो इस mechanism के input link और output link अगर complete rotation में है, if input and output links will be in complete rotation, then we called as crank. अगर input या output link partial rotation में है, पार्शियल रोटेशन या ऑक्सीलेशन, तो उसको बोलेंगे हम रोकर या लीवर. तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन फोर बार मैकेनिज्म के बारे में. फोर बार मैकेनिज्म, नंबर ऑफ लिंक्स 4, नंबर ऑफ लिंक्स 4, नंबर ऑफ पेयर्स 4, टर्निंग पेयर 4, इनपुट लिंक, आउटपुट लिंक, कपलर, फिक्स लिंक. अब बात करते हैं इन्वर्जेंस ऑफ फोर बार मैकेनिज्म. जैसा कि हमने देखा इन्वर्जेंस में, इन्वर्जेंस अगर नंबर ऑफ लिंक्स इक्वल्स टू 4 है, तो नंबर ऑफ इन्वर्जेंस लेस देन और इक्वल्स टू 4 होंगे. अगर हम फोर बार मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पे सिर्फ 3 इन्वर्जन पॉसिबल हैं, डबल क्रैंक, क्रैंक रोकर और डबल रोकर मैकेनिज्म. ये 3 इन्वर्जन पॉसिबल है. तो देखते हैं कौन सा मैकेनिज्म हमें कब मिलने वाला है. और इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ग्रैसोपला को. ग्रैसोपला डिसाइड करेगा कौन सा मैकेनिज्म कब मिलने वाला है. अब ग्रैसोपला क्या कहता है, फॉर द कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स इन फोर बार मैकेनिज्म, द समेशन ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड नॉट बी ग्रेटर देन द समेशन ऑफ लेंथ ऑफ द अदर टू लिंक्स. इस फोर बार मैकेनिज्म के जो सबसे छोटा लिंक और सबसे बड़ा लिंक, उन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा बाकी के बचे हुए दोनों लिंक के सम से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए या उस दोनों के बराबर होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसमें कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन होगा और वो ग्रैसोपला को सेटिस्फाई करेगा. तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ग्रैसोपला. सो टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू. अब हम बात करते हैं बेस्ट पोजीशन की. जो हम देख चुके थे बेस्ट पोजीशन होती है फिक्स मैकेनिज्म में, बेस्ट पोजीशन हमेशा होगी फिक्स, और बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन होगा शॉर्टेस्ट. जो जितना छोटा होगा वो उतनी आसानी से रोटेट कर पाएगा. सो बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन इज द शॉर्टेस्ट लिंक. अब देखो दो केस हो सकते हैं. हो सकता है कि ग्रैसोपला आपका सेटिस्फाई करे, हो सकता है कि ग्रैसोपला सेटिस्फाई ना करे. तो दोनों केस हैं, दोनों को हम अलग अलग देख लेते हैं. केस वन, if shortest plus longest is less than or equal to p plus q, that is Grasshopper's law is satisfied. अगर Grasshopper's law satisfy करेगा तो फिर तीन केस बनेंगे. देखते हैं उन तीन केसों के बारे में, एक एक करके डिस्कस करते हैं.
पहला केस इफ सो टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, अगर आपने सबसे छोटी लिंक को फिक्स कर दिया, अगर सबसे छोटी लिंक को फिक्स किया तो क्या होगा, वो सबसे छोटी लिंक फिक्स करने के बाद इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक दोनों ही लिंक 360 पे रोटेट करेंगे, कंप्लीट रोटेशन हमको देंगे। अगर ऐसा होता है दैट मींस इनपुट और आउटपुट लिंक दोनों कंप्लीट रोटेशन में होंगे तो उसको बोलेंगे हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। इसको याद करने की एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। इफ शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट शॉर्टेस्ट लिंक इज द बेस्ट लिंक फॉर रोटेशन एंड फिक्स इज द बेस्ट पोजिशन। दैट मीन्स आप एक लाइन याद रख सकते हो, बेस्ट लिंक इज एट बेस्ट पोजिशन। बेस्ट लिंक इज एट बेस्ट पोजिशन, बेस्ट लिंक से हमारा मतलब है सबसे छोटा लिंक और बेस्ट पोजिशन से मतलब है फिक्स। तो आपने सबसे बेस्ट लिंक को ही बेस्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, दैट मींस इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक दोनों ही 360 पे रोटेट करेंगे। आगे केस देखते हैं, सेकंड केस, इफ सो टेस्ट लिंक इज एडजेसेंट टू फिक्स, अगर सबसे छोटा लिंक फिक्स के बराबर में है, इफ सो टेस्ट इज एडजेसेंट टू फिक्स, अगर आपने सबसे छोटे लिंक को फिक्स के बराबर में रखा तो जो छोटा है उसको तो आप कहीं भी लगा दो वो तो रोटेट करेगा ही करेगा, तो जो सबसे छोटा है उसको तो आप कहीं भी एडजस्ट करो, वो तो जहां भी उसको लगाओगे वो वहीं पे रोटेट करेगा। दैट मींस इनपुट तो रोटेट कर जाएगा, लेकिन आउटपुट लिंक रोटेट नहीं करेगा, यानी इनपुट रोटेट किया तो बना क्रैंक और आउटपुट करेगा ऑसिलेट, दैट मींस रोकर, तब मिलेगा हमें क्रैंक रोकर मैकेनिज्म। If shortest link is adjacent to fixed, then we obtain crank rocker mechanism. Next, third case पे आते हैं। If coupler is the shortest link, अब ये भी हो सकता है कि सबसे छोटा link आपका coupler हो। If coupler is the shortest link, जैसा कि हमने अभी देखा, छोटा link जहाँ भी लगाओगे वो best है rotation के लिए, तो वहीं rotate कर जाएगा। तो इस केस में आपका कपलर रोटेट करेगा 360 पे, लेकिन इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक दोनों ही ऑसिलेट करेंगे, दैट मींस हमें मिलेगा डबल रोकर मैकेनिज्म, डबल रोकर मैकेनिज्म। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ मैकेनिज्म हैव लिंक्स लेंथ एज 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो देखते हैं ग्रेसोप्ला सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे छोटा लिंक 2 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा 5 सेंटीमीटर। तो 5 2 7, 4 3 7 दोनों इक्वल हैं, दैट मींस ग्रेसोप्ला सेटिस्फाई कर रहा है। आगे की बात करते हैं, यहां पे देखते हैं सबसे छोटा लिंक फिक्स है, 2 सेंटीमीटर का लिंक आपका फिक्स है, सो टेस्ट लिंक इज फिक्स, दैट मींस इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक दोनों ही 360 पे रोटेट करेंगे, यानी हमको देंगे दोनों ही डबल क्रैंक। इफ सो टेस्ट लिंक इज फिक्स, तब हमें मिला डबल क्रैंक। तो एक ट्रिक याद रखना इस केस में, बेस्ट लिंक एट बेस्ट पोजिशन, बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं, सेकेंड केस देखा हमने इसका,
फिक्स जिस लिंक की लेंथ 4 सेंटीमीटर उसको हमने फिक्स किया, सबसे छोटा लिंक फिक्स के बराबर में, यानी इसको ये यहां पे पूरा 360 पे रोटेट करेगा, लेकिन लिंक नंबर 3 ये सिर्फ ऑक्सीलेट करेगा इस जोन में, ये सिर्फ ऑक्सीलेट करेगा। तो हमें मिला क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म। अगला किस देख लेते हैं, लिंक नंबर जिसको हमने फिक्स किया 5 सेंटीमीटर 4 3, सबसे छोटा लिंक इसको हमने कपलर बना दिया। कपलर तो सबसे छोटा लिंक जहां पे भी होगा वहीं पे 360 पे रोटेट करेगा, लेकिन अब ये ना तो इनपुट लिंक को रोटेट करने देगा और ना ही आउटपुट लिंक को रोटेट करने देगा, दोनों ही लिंक हमारे क्या करेंगे, सिर्फ रेसिप्रोकेट करेंगे, दोनों ही सिर्फ रेसिप्रोकेट करेंगे। दैट मीन्स इस केस में मिला हमें डबल रोकर मैकेनिज्म, डबल रोकर मैकेनिज्म। ये तो था जब ग्रासोप्ला सेटिस्फाई कर रहा था। केस टू, हो सकता है कि ग्रासोप्ला सेटिस्फाई ना करे। इन दैट केस इफ शॉर्टेस्ट लिंक इज ग्रेटर देन शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक दोनों का सम इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू होगा, दैट मीन्स ग्रासोप्ला इज नॉट सेटिस्फाइड। इन दैट केस हमेशा हमें मिलेगा डबल रोकर मैकेनिज्म। इफ ग्रासोप्ला इज नॉट सेटिस्फाइड, if grasshopper is not satisfied, then always double rocker, then always double rocker is obtained. अगर grasshopper satisfy नहीं करेगा तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है, हमेशा double rocker ही मिलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कुछ practical applications पे, practical applications of forward mechanism। सबसे पहले हमारा beam engine देख लेते हैं। लिंक नंबर 1 जिसको हमने फिक्स किया है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 क्रैंक, लिंक नंबर 3 कनेक्टिंग रॉड और लिंक नंबर 4 लीवर। तो ये आपके सामने बीम इंजन का एक बेसिक मैकेनिज्म, फिक्स लिंक नंबर 1 फिक्स, लिंक नंबर 2 क्रैंक, लिंक नंबर 3 कनेक्टिंग रॉड एंड लिंक नंबर 4 लीवर। यहां पे इस केस में क्या है, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 2 इज द क्रैंक एंड द स्मॉलेस्ट मेंबर, और हम जैसा देख पा रहे हैं शॉर्टेस्ट लिंक इज एडजेसेंट टू फिक्स, शॉर्टेस्ट लिंक इज एडजेसेंट टू फिक्स। अगर शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट के बराबर में होता है तब हमें मिलता है क्रैंक रोकर, ये भी हम देख चुके हैं। That means यहां पे हमें क्रैंक रोकर मैकेनिज्म मिलना चाहिए। देख लेते हैं कैसे मिलेगा क्रैंक रोकर। जैसे ही हमने इनपुट लिंक को यानी क्रैंक को रोटेशन दिया, ये तो पूरा 360 पे रोटेट करेगा, जैसे आप देख पा रहे हो ये सर्कल, ये क्रैंक का लोकस है, ये क्रैंक पावर ट्रांसमिट करेगी लिंक नंबर 3 पे और लिंक नंबर 3 पावर ट्रांसमिट करेगा इस लीवर पे। लीवर इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट करेगा और जो ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन होगी वो होगी ये, यानी ये लीवर इस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेगा। अब इस ऑक्सीलेशन को यूज करने के लिए मैं यहां पे एक पिस्टन रॉड और एक सिलेंडर अरेंजमेंट लगा देता हूं, पिस्टन रॉड और एक सिलेंडर अरेंजमेंट यहां पे मैंने फिट किया। अब मैं इस ऑक्सीलेशन को यूज कर पाऊंगा, देन ये आपके सामने जो बना अब ये कहलाएगा आपका बीम इंजन। वो सिंपल है, बस हमने किया क्या है, हमने रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बीम इंजन। द पर्पज ऑफ दिस मैकेनिज्म, और वी कैन से दैट पर्पज ऑफ बीम इंजन इज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ प्लैनर क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन is formed with rigid links PQ equals to 2 meter, QR equals to 3 meter, RS 2.5 meter and SP equals to
2.7 मीटर विद ऑल रिवोल्यूट जॉइंट्स. रिवोल्यूट जॉइंट्स का मतलब है टर्निंग पेयर. द लिंक टू बी फिक्स टू ऑब्टेन डबल रोकर मैकेनिज्म इज. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डबल रोकर मैकेनिज्म अगर हमें चाहिए तो कौन से लिंक को हमें फिक्स करना पड़ेगा. तो देख लेते हैं सॉल्यूशन करके. सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं. PQ 2 मीटर, QR 3 मीटर, RS 2.5 मीटर एंड SP equals to 2.7 meter. The link to be fixed to obtain double rocker mechanism. हमें double rocker mechanism चाहिए. double rocker के लिए हम देख चुके हैं अगर सबसे छोटे link को coupler बनाओगे तब हमें मिलेगा double rocker mechanism. That means अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे छोटा link है यहाँ पे, सबसे छोटा link 2. अगर मैं इसको कपलर बनाऊं तब मिलेगा मुझे डबल रोकर मैकेनिज्म. कपलर बनाने के लिए इसके सामने वाले लिंक को हमें फिक्स करना पड़ेगा. दैट मींस ये फिक्स होगा. SR इज द फिक्स, RS इज द फिक्स लिंक, उसके सामने कपलर. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. चलो आज यहीं पे बात खत्म करते हैं. इससे आगे की कहानी हम आगे स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू.